अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान दानिश है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कैनवा का दूसरी तरह का एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर हम एक ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर को यूज़ करेंगे और उस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह का हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे थंबनेल। यहाँ पे देखिए एक ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर मौजूद है, यहाँ पे भी देखिए या इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले अपने डिज़ाइन के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे मैंने जो प्रीवियसली डिज़ाइन किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो सेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ। राइट, इस तरह से मैंने एक सॉलिड कलर ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे शेप्स पे आऊँगा, और मुझे यहाँ पे कोई अच्छी सी शेप चाहिए होगी जिसको मैं यूज़ करूँगा। लेट्स से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। राइट, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं कुछ इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर देता हूँ, और इस तरह से इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, लाइक दैट। ओके, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक इस तरह का करेक्टर यूज़ करना है। अब ये करेक्टर आप किस तरह से ले सकते हैं, आप अपनी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे देखता हूँ वाओ प्रोफेशनल घर। ठीक है, यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आपको स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ, इस इमेज को सेव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें इसका बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को मैं किस तरह से रिमूव करूँगा, इसके लिए मैं एक थर्ड पार्टी जो है वो ऐप का यूज़ करूँगा, उसका नाम है रिमूव बीजी। इस तरह से आप करेंगे, और यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे वो इमेज जो है वो अपलोड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो इस इमेज का वो था, मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जेपैग के अंदर इमेज है वो उसका जो है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट इमेज आ चुकी है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा सिंपल। और यहाँ पे वापस आया, और यहाँ पे उस इमेज को क्या कर लूँगा, अपलोड कर लूँगा। ये हमारे पास जो है बैकग्राउंड रिमूव्ड वाली ये इमेज मौजूद है। सॉरी, मैं अपलोड करना भूल गया। ओके, यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है। इसका मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा, ऊपर से भी थोड़ा क्रॉप कर लूँगा, और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के ओके यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए और कुछ आइकन्स चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई अच्छा सा टेक्स्ट जो कि बिल्कुल विजिबल हो, इजी टू रीड हो, उस तरह का कोई टेक्स्ट यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा। लेट्स से यहाँ पे मैं इस वाले टेक्स्ट को यूज़ कर लेता हूँ, और इनको डिलीट कर देता हूँ, ये जो नीचे या ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस, तो मैं थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से इसका साइज एडजस्ट कर लूंगा। ओके, अब इसका मैं थोड़ा सा इसको मैं विजिबल करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक शेप लूंगा यहां से, और वो ये वाली शेप है, इसको मैं इस तरह से इसके पीछे रख के एडजस्ट कर लूँगा। अब ये इसके ऊपर आ रही है, इसको मैं राइट क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। इसका मैं साइज़ जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। अब जो ये है थोड़ा अच्छे से विजिबल हो रहा है ये टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने लिखा। अब मज़ीद सेम अगेन मैं इसको कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा इस टेक्स्ट को, और मैं इसको लिख दूँगा वेबसाइट या वेब डिज़ाइन। ओके, और अगेन फिर मैं एक और शेप लूँगा, और इस बार इसको मैं कुछ इस तरह से सेट करके अगेन इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, राइट। लेकिन इस बार इसका मैं जो कलर है वो चेंज कर दूंगा। लेट्स से इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा,
ताकि थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर मैं येलो कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, तो इसको मैं मज़ीद अब इस तरह से भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी इमेज, जो भी आपकी इमेज है अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ आइकन्स चाहिए तो मैं आइकन यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसे वर्डप्रेस पीएनजी आइकन। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वर्डप्रेस का आइकन आ गया है, मतलब जो भी चीज़ का आइकन आप यूज़ कर रहे हैं उसको गूगल से इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगेन वही प्रोसेस, आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, और यहाँ पे वो मेरे ख्याल से आया नहीं, अगेन मैं इसको सेव करता हूँ। आई डोंट थिंक कि वो कहाँ पे चला गया है, तो मैं यहाँ पे चले एसर का, यहाँ पे मेरे पास एक लोगो मौजूद है, आप जो भी लोगो यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जितने भी लोगोज आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे फिर बटन बनाना है तो बटन आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से बटन बनाता हूँ कि आप इस तरह से एक स्लाइड लें और इसका जो कलर है वो आप सेट करें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। मैं ब्लैक कर देता हूँ, और इसके अलावा इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स सपोज ऑर्डर नाउ, और इसका जो साइज़ है वो मैं काफ़ी कम कर देता हूँ इस बटन के मुताबिक। आई थिंक ये काफ़ी छोटा हो गया है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। अब इस बटन को थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाने के लिए मैं एक और यहाँ पे स्लाइड लूँगा और एलिमेंट लूँगा, इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से सेटअप करूँगा ताकि इसमें थोड़ा सा एक 3D सा लुक आ जाए, और इस तरह से, और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं थोड़ी कम कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें प्रोफेशनल सा बटन बन गया हमारे पास। तो इस तरह से आप इस तरह के थंबनेल्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये थंबनेल्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरह के, और मैंने काफ़ी सारी एलिमेंट्स का यूज़ किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नीड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।